दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं आईएनएन टेक्नोलॉजी के इस नए अमेजिंग वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे अमेजिंग हाईटेक डिफेंसिव वेपन्स जिन्हें आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और अपने सेफ्टी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी गैजेट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए परचेजिंग लिंक से परचेज भी कर सकते हैं। साथ ही हम कुछ ऐसे अमेजिंग हाईटेक प्रोडक्ट्स भी देखेंगे जो आपके डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं। तो वीडियो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसलिए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का यह वीडियो। सॉक फ्लिंग 3 पैक थ्रोइंग नाइफ्स। अगर आप अपने बचाव के लिए थ्रोइंग नाइफ्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पीस है सॉक नाइफ्स की तरफ से आने वाला सॉक फ्लिंग। ओवरऑल लेंथ 9.5 इंच होने के साथ साथ इजी टू कैरी है। 9 सीयर 18 मूव स्टेनलेस स्टील मैडेट यह नाइफ काफी ज्यादा ड्यूरेबल एंड कोरोजन लेस है। 7 फीट तक लंबी पैराकोट रस्सी इसके हैंडल पर आपको देखने को मिल जाएगा जो इमरजेंसी सिचुएशन में काफी ज्यादा काम आ सकती है। इसे परचेज करने पर आपको बैलिस्टिक नायलॉन शीथ के साथ साथ बैकअप 3 नाइफ्स भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एटॉमिक बियर टैक्टिकल पैन। दोस्तों हम हर वक्त डिफेंसिव टूल लेके नहीं घूम सकते, ऐसे में आप अगर एक ऐसा टूल चाहते हैं जो हिडन तरीके से आपके लिए डिफेंसिव मैकेनिज्म का काम करे तो पीस है एटॉमिक बियर टैक्टिकल पैन। यह पेन एक मल्टीटास्किंग पेन है जिसे आप लिखने से लेकर सेल्फ डिफेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी नाइफ दी गई होती है जिससे छोटी मोटी चीजें काटने के लिए, साथ ही इसमें दी गई फ्लैशलाइट को आप इमरजेंसी सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस तरीके का गैजेट ग्लास सील्ड को तोड़ने के लिए भी काफी ज्यादा काम आ जाता है। देखने में ये तो एक पेन की तरह है लेकिन ये बहुत सारा काम कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। डिफेंडर रिंग। दोस्तों अपने लिए एक लाजवाब और सीक्रेट वेपन से जो खास करके गर्ल्स के लिए डिजाइन किया गया है। स्टेनलेस स्टील से बनी यह रिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है। समय आने पर आप इसे एक धारदार पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, इस रिंग का अलग अलग डिजाइन अवेलेबल है जिसे आप परचेजिंग लिंक से परचेज कर सकते हैं और वो परचेजिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मंकी फर्स्ट की चेन। दोस्तों अभी जो टूल आप देख रहे हैं ये स्पेशली गर्ल्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह पैराकोट की चेन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हैवी है जिससे आप अपने साथ कहीं भी लेके आराम से जा सकते हैं और इससे आप घातक बार भी कर सकते हैं। इसके एक एंड पर की रिंग मौजूद है पर दूसरी ओर एक स्टेनलेस स्टील बॉल मौजूद है। समय आने पर आप इससे बंधी पैराकोट रस्सी को खोलकर यूज भी कर सकते हैं। तो मल्टी यूज यह की चेन आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। म्यूनियो सेल्फ डिफेंस की चेन। दोस्तों ये एक खास तरह का कीचेन है जिसे गर्ल्स अपने साथ सेल्फ डिफेंस के लिए कैरी कर सकते हैं। इसका डिजाइनिंग कुछ इस तरह बनाया गया है कि इसे अच्छे से पकड़कर आप जोरदार हमला कर सकते हैं। यह कीचेन कोई ऐसे वैसे मटेरियल से नहीं बल्कि काफी हार्ड मटेरियल से डिजाइन किया गया है जो काफी ज्यादा इफेक्टिव अटैक कर सकता है। इसे आप कीचेन की तरह भी अपने साथ कहीं भी कैरी करके लेके आ जा सकते हैं। एक्यूफायर पेपर स्प्रे। मिली एक गडडॉग की तरफ से आने वाला लेजर सॉफ्ट पेपर स्प्रे से। दोस्तों ये छोटा सा डिवाइस एक पेपर स्प्रे गैजेट है। जैसे ही आप इससे पेपर स्प्रे सामने वाले के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, सामने वाला टेम्पररीली ब्लाइंड एंड लॉन्ग कॉन्टेक्शन का शिकार हो जाएगा और अपने आप को आपको बचाने के लिए बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा, यानी आप वहां से भाग सकते हैं। ये डिवाइस काफी हैंडी है और आप इसे कीरिंग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पे आपको लेजर पॉइंटिंग फीचर मिल जाएगा जिससे आप निशाना लगा सकते हैं। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टैप स्ट्रैप टू। दोस्तों वर्क फ्रॉम होम के चलते हम सब घर में रहकर काम करना सीख रहे हैं, ऐसे में एक ही कीबोर्ड में घंटों बैठकर काम करने पर शरीर दुखने लगता है। पर अगर आप चाहे बैठे हों, सोए हों या फिर खड़े हों, कहीं भी कभी भी किसी भी सर्फेसिस में टाइपिंग कर सकें तो सोचिए कितना मजा आएगा। इस चीज को सच बना देते हैं ये टैप स्ट्रैप। आप किसी भी फ्लैट सर्फेस को एज ए कीबोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये मोशन जेस्चर टेक्नोलॉजी से भी वर्क करता है, यानी आप अपने टैबलेट लैपटॉप कंप्यूटर को हैंड फ्री तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। बड़ी ही कंफर्ट तरीके से इसे पहनकर आप किसी भी डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस कमाल की गैजेट के लिए एक प्यारा सा लाइक तो बनता है। रॉडमी X20S। दोस्तों घर को झाड़ू पोछा लगाकर साफ करने का टाइम धीरे धीरे जा रहा है और अभी तो एक से बढ़कर एक अमेजिंग क्लीनिंग गैजेट्स आ चुके हैं। सो मिलिए एक ऐसा ही गैजेट रॉडमी X20S से जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डस्ट क्लीनर है जिसकी मदद से आप आसानी से घर को साफ रख सकते हैं। साथ ही इसके पीछे की तरफ एक अटैचेबल वैक्यूम क्लीनर भी दिया गया है जिससे आप और भी अच्छी तरह साफ सफाई के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे आपको 3 लेवल क्लीनिंग मोड्स देखने को मिल जाएगा और तो और इसके साथ एक चार्जिंग डॉक भी मिल जाता है
जो अलग अलग क्लीनिंग मोड्स एंड ब्रशेस को सपोर्ट करता है। जब इसमें चार्ज खत्म हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग डॉक में जाकर लग जाएगा और फिर फुल चार्ज होने पर फिर से साफ सफाई में जुड़ जाएगा। SKG मसाज गन। दोस्तों घंटों बैठकर काम करने पर या फिर वर्कआउट करने पर हम थक जाते हैं और हमें चाहिए होता है एक बढ़िया सा मसाज, पर हर समय तो कोई आके हमारा मसाज नहीं कर सकता। पर मिलिए इस बेहतरीन मसाजर SKG गन से। यह काफी ज्यादा हैंडी है और साइज में भी काफी कंफर्टेबल होने के साथ साथ इसे आप कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। आप अगर हैवी वर्कआउट भी करते हैं तो इस तरीके का मसाजर आपको काफी रिलीफ महसूस करवाएगा और आपके मसल्स को काफी ज्यादा फ्री करवाएगा। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेजर क्यू प्रो। दोस्तों आज ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो कॉलिंग्स के लिए डेस्कटॉप कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे में कैमरे का क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए, तो मिलिए रेजर क्यू प्रो से, जो कि एक हाई क्वालिटी एंड एडवांस डेस्कटॉप वेबकैम है। इस कैमरे में आपको 1080 पिक्सल के वीडियो क्वालिटी विद 60 FPS यानी फ्रेम पर सेकंड का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि नॉर्मल वेबकैम से काफी ज्यादा अच्छा है। साइज में भी काफी कम्पैक्टेबल एंड ड्यूरेबल यह वेबकैम पर SDR मोड भी देखने को मिल जाता है। जी हाँ, इसमें आपको एडजस्टेबल कैमरा कैप भी देखने को मिल जाएगा, जिसे आप सिक्योरिटी परपोज के लिए ढक सकते हैं कैमरे को। साथ ही दोस्तों इसे अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मैं एक्सेवर कि आपने टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो और बेल आइकन ऑल में सेट कर दिया हो। दोस्तों अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं, यानी नाइफ्स के ऊपर या फिर गन्स के ऊपर या फिर सेल्फ डिफेंस गैजेट्स के ऊपर या फिर सर्वाइवल गैजेट्स के ऊपर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।